question. नमस्ते फ्रेंड, आज हमने एक तबला बनाया है, तकरीबन 7 इंच का है, जो कि सी शार्प डी और सी में भी जो है तो अच्छा है बोल रहा है। और आप इस तबले को देखिए, इसका साउंड क्या है, जो कि एकदम एक्यूरेट पखावज साउंड के लिए जो है तो हमने इसको बनाया है। मुझे आशा है कि ये आपको पसंद आएगा, आप इसको देखें। ये पूरा शीशम का है, बहुत ही हैवी नहीं है, लेकिन फिर भी जो क्वालिटी होती है थोड़ा सा उसमें वेट होता है, तो मुझे लगता है इसका तकरीबन 3.5 kg हो गया या 4 kg। जो कि हमारे बहुत ही खास हैं, वो दिल्ली से ही रहते हैं, उनके लिए हमने बनाया है। और ये धामा के साथ वो इसको यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे इसका। जैसा कि पखावज का साउंड जो होता है वो बड़ा ही अच्छा होता है, जो कि बहुत लोग उसको भावित मानते हैं, बहुत मतलब उनको अच्छा भी लगता है, तो इस कारण जो है ये साउंड, ये आवाज़ जो है ज़्यादातर लोग को पसंद आता है, जो कि रियाज़ करने के लिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि रियाज़ के लिए भी बहुत बेहतर है ये। और 7 इंच का तबला है, और आप भी इसको देखें, इसकी साउंड इसमें आज भी है। देखिए अभी तक साउंड है इसका, क्योंकि इसके अंदर हमने यहाँ तक कि हमारे तबले में जो है शीशम की गुल्ली तक लगा रहता है, जो कि ये मजबूत होता है, जो कि इसको चढ़ाने में पड़ता नहीं है, तो इस कारण हम लोग यूज करते हैं शीशम की। पखावज थाप जो है सॉरी, क्योंकि हमें नहीं आता है, जो कि तबले का थाप हम लोग यूज़ करते रहते हैं ज़्यादातर, तो इस कारण जो है मैं इसको कर सक रहा हूँ, लेकिन पखावज जो है उसको अलग तरीका होता है थाप मारने का, जो कि बहुत रियाज का मतलब है। दोनों पूरा शीशम का है, आप इसको देख सकते हैं, इसकी फिनिशिंग और इसकी स्याही, और ये बहुत ही वेट भी नहीं है, ये एक तरीके से देखा जाए तो मैक्सिमम वेट है इसका, जितना वेट होना चाहिए 7 इंच के तबला में उतना ही है। और ये उनका बैग है, जो कि तबले के साथ जो तो दिया जाता है, एक अच्छे क्वालिटी का, जिसका अच्छा कपड़ा भी है, और ये जो है तो हमारे एडवर्टाइज के हिसाब से कवर भी है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा तबला, तो आप से बहुत निवेदन है कि आप अपना राय जो है तो कमेंट में लिखें और बताएं कि इसमें क्या हम चेंज कर सकते हैं, इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, और क्या इसके अंदर होना चाहिए, तो वो सब ज़रूर हम लोग उस पर भी पूरा का पूरा ध्यान दिया जाएगा उस चीज़ पर। और बाकी धन्यवाद।